आपने कैसे बनाई हल्दी, क्या किया सबसे पहले आपने? इंटरव्यू चल रहा है मम्मी, आओ जल्दी बताओ। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए व्लॉग में। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं बना रही हूँ छत से। एक्चुअली मैं घास देने इफेक्ट में आई थी, नीचे ये घास रखा है ना, तो पापा जी ने बोला 4-5 मुट्ठी फेंक दो, तो शाम को जाएंगे घास लेने के लिए। अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा गायों को। और आज जो हमारा काम है वो है हल्दी निकालने का। आपको मैं दिखाती हूँ, मम्मी पापा जी लोग निकाल रहे हैं, अभी मैंने भी जाना है अभी मैं। मुझे हाँ ये पता है कि निकालने के बाद उन्हें सुखाते हैं, देन उसके बाद ना उसे गर्म पानी से धोते हैं, फिर उसे काटते हैं, तो सारा प्रोसेस होता है उसका। तो अभी मैं एक टोकरी लेके भी आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ हमने जो निकाला है। तो ये रही हल्दी, ऐसे होते हैं ये। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इसे सुखाना है, क्योंकि अभी गीले हैं ना, बहुत मिट्टी लगी है, और ऐसे में ना तब इसको बहुत पानी यूज़ वेस्ट होता है इसमें ऐसे अभी धोने में। तो जब इस सूख जाएगा तब थोड़ा कम पानी यूज़ होगा ना इसमें, तब यहीं छत में लाना है सब हमने। और उसके बाद तब यहीं पे हमने चूल्हा लगाना है, उसका ईंट का बना चूल्हा लगा के फिर उसमें गर्म पानी करना है, तब गर्म पानी से धोते हैं इसको। और अभी तो बहुत है निकालने के लिए, ये तो थोड़े से ही हैं। और अभी मम्मी पापा लोग लगे हुए भी हैं, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। तो वो रहे हैं मम्मी पापा, अभी निकाल रहे हैं। और अभी सामने वाला जो खेत है वहाँ पे उसमें भी निकालना है, और फिर यहाँ पे प्याज बोएंगे। तो प्याज की अभी प्याज भी देखो लगा दिया वहाँ पे, और उधर से प्याज की करियाँ हैं वो भी बची हुई है, तो वो यहाँ पे लगेगी और सामने की साइड पे लगेगी। तो अब मैं धूप भी आ गई है, कितना अच्छा सुकून सा मिल रहा है धूप से के, पर मुझे भी नीचे जाना है। बहुत ही गंदा है, मुझे सिखाया नहीं और मुझे हार्डवर्क दे दिया। अभी इस डमरू, ये जो डमरू है ना, अभी ऐसे ही मैं दो लेकर आ गई, 3-4 बार हॉल लाना अभी मुझे, क्योंकि अभी एक ही साइड, मम्मी लोग बोल रहे हैं बल्कि एक ही साइड का जो यहाँ पे अभी निकाला उतना ही निकालेंगे, सामने वाला जो है वो बाद में निकालेंगे, क्योंकि अब खाना खाने का टाइम हो गया, 10:30 होने वाले हैं। और अब छोटी को अब बाहर धूप में ले लाना है, अभी तो वह सो रखी है छोटी ना। देखो मैं ना ये देखो, और अभी तो पता है बाकी तो यहाँ इस पेड़ में भी हैं ऊपर, ये बॉयज़ हॉस्टल है ना ये, और वहीं नीचे ही यहीं नीचे पे कॉलेज है, बहुत है बहुत ज़्यादा। और वहाँ से इनको डायरेक्ट ना यहाँ पे आने के लिए बहुत आसान हो जाता है, कितना है उनके लिए यहाँ पे आने के लिए। चलो हम अपना ये पूरा काम कर लेते हैं, खाना खा के, मतलब नहा धो के खाना खा के, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलो तुम्हें बहुत जल्दी रहती है ना ऊपर चढ़ने की, हैं? चलो चलो जा। तो मैं छत में आ गई हूँ और यहाँ पे हल्दी साफ़ हो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से कर। तो ये अभी हल्दी की जड़ें कट रही हैं, पापा और मिस्टर जी लगे हैं इस तरीके से चाकू से इनकी जड़ों को काट के, हाँ ऐसे अलग रख देते हैं ये। और ये जो इनका इनसे मिट्टी निकली है वो ये है, और ये साफ़ किया है सुबह से इतना इनकी जड़ को हमने काट के रखा है, अलग रख दिया। और ये सारी हल्दी
अब इनको साफ से धोना है। ये बीज के लिए रखे हुए हैं मम्मी ने, ये हल्दी बाकी लगाने के लिए अगले साल। तो दिन के बज रहे हैं 1 और अभी मैं बना रही हूँ चाय। खाना हम सबने खा लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सुबह ही खाना खा लेते हैं। बस पापा जी रह गए हैं, क्योंकि अभी वो हल्दी थोड़ा सा रह गई साफ करने के लिए, बाकी हम सबने खा लिया खाना। और हमारे घर में भी थोड़ा रिलेटिव मतलब गेस्ट आने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, तो बस पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट में। मैंने पानी भर के बोतल में गर्म करके बोतल में भर के रख दिया है, क्योंकि जैसे आएंगे तो तुरंत देने के लिए हो जाएगा। आपका फैशन क्वीन वो फंक्शन में जा रहे हो कि आप अपना मुंह दिखा के धो के दिखाओगे? ये देखो। तो मम्मी बताओ आपने कैसे बनाई हल्दी, क्या किया सबसे पहले आपने? इंटरव्यू चल रहा है मम्मी, आओ जल्दी बताओ। मैं आप ही के ऊपर फोकस करके रखूँगी। तो पहले हल्दी को गर्म पानी में बॉईल करते हैं। यहाँ पे हमने चूल्हा लगा रखा है लकड़ी का, सॉरी ईंटों का, लकड़ी का बोल रहा हूँ। और उसके बाद फिर उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके काटने हैं, जैसे मम्मी अभी काट रही है। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10, तो बस अब मैं भी कर रही हूँ स्टार्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे गाय खोलने के लिए, धूप आ गई है, थोड़ा धूप सेक के आ जाएंगे। और अभी ऊपर चलो आराम से लाइन लाइन से। तो दिन के बज रहे हैं 2 और फाइनली हमारा अब जाके हल्दी काटना कंप्लीट हुआ है। मैं देखिए दिखा दूँ आपको, सारे काट दिए हैं। आप लोगों को दिखने में बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लग रहे होंगे, बट सूखने के बाद ये थोड़े से मतलब बहुत कम हो जाता है। और उसके बाद इनको सूखने में कम से कम 2 हफ्ते लगेगा, मतलब जो इनके अंदर पानी है अभी तो उसको सूखने में तो अप्रॉक्स 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन जो प्रॉपर सूखने वाला सूखने का है उसको 2-3 हफ्ते लगते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के स्टोरेज करके रख देंगे, ठीक है। और मम्मी गई अभी मार्केट बैंक के काम से, और आज दर्शु छत पे ही है, ऊपर वाली छत में, बगल वाली छत में नहीं रखा आज हमने, हम ऊपर ही ले आए थे उसको, क्योंकि हम सब यहीं काम कर रहे थे बैठ के। तो बस तब तक के लिए आज के लिए ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जिसने भी मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।